सोमे वालों कैसे हो? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं जो सी बी फेस स्मूथ कैसे करें, तो वो देख सकते हैं मतलब इस टाइप का फेस स्मूथ कैसे करते हैं। और मतलब कितना सारा वीडियो मतलब देखे भी होंगे कि मतलब इस टाइप का फेस मतलब कैसे करते हैं और कितना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं इस टाइप का मतलब फेस स्मूथ करना बताऊँगा कि इस टाइप का फेस स्मूथ कैसे करते हैं और फेस वाइट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहे और वीडियो का फुल वॉच कीजिए तो ऐसा एडिटिंग आप सीख पाइएगा। ठीक है मेरे भाई, और देख सकते हैं मतलब कि सी बी फेस कैसे करते हैं। ठीक है भाई, देख सकते हैं इस टाइप का, और मतलब कितना सारा बंदे मतलब कि फेक भी बताते हैं कि मतलब इस टाइप ऐसे करो, ऐसे सेटिंग करो, ऐसे सेटिंग करो, ऐसे मतलब ऐसा एडिटिंग हो जाएगा, पर ऐसा मतलब कि कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है भाई। ठीक है, अपने से खुद करना पड़ता है और कलर को मैचिंग करना पड़ता है, तो इस टाइप का मतलब फेस स्मूथ हो पाता है और इस टाइप का फेस पे वाइट अलग ग्लो आता है। ठीक है, तो इस टाइप का कैसे करेंगे तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना देर के रहे वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपली जिस फोटो का आप एडिटिंग करेंगे तो सिंपली उसको लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करना है, जैसे कि मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं और देख सकते हैं ये वाला फोटो है। ठीक है मेरे भाई, ये वाला फोटो है और मैं हार्ड प्रेसेट दूंगा। ठीक है, जो इस टाइप का मतलब फेस कर देगा। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला प्रेसेट है, तो इसका मैं लिंक टेलीग्राम में डाल मतलब कि टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हैं फोटो। ठीक है मेरे भाई, और देख सकते इसको मैं जो प्रेसेट है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये घबराना नहीं कि ऐसा कुछ नहीं, मैं सेटिंग बताता हूँ, बस देखते रहिए। सिंपली यहाँ से कॉपी सेटिंग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कॉपी सेटिंग करने के बाद फिर से यहाँ पर जाएंगे और सिंपली यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का आएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ से जाना है, क्या यहाँ से जाना है, सिंपली यहाँ से जाना है एडिट में। ठीक है, एडिट में जाने के बाद लाइट में जाना है और सिंपली नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रीव्यू के यहाँ 4DSDR का मतलब कि पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको इनेबल कर देना है। तो देख सकते हो भाई, एक क्लिक में इतना हार्ड मतलब फेस हो गया। ठीक है, हो गया ना। सिंपली इसको ऑन ऑफ कीजिएगा तो इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, और सिंपली इसको ऑन कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद SDR मतलब सेटिंग है जो इनेबल हो जाता है, और ये सेटिंग अभी तक कोई नहीं बताया। ठीक है भाई, तेरा भाई मैं आयुष बता रहा हूँ तेरा भाई। तो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से शेयर करेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन। अगर आप मतलब कि थोड़ा बहुत भी काला वाला है तो वहाँ से रिमूव करते हैं, आप लोगों को पता होगा। सिंपली यहाँ से शेयर करते। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हो मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक बहुत कम आता है। ठीक है मेरे भाई, और कॉमेंट कीजिए। ठीक है, सिंपली देख सकते हैं आ चुके अपना एप्लीकेशन में। तो सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर टूल पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो इतना लोग आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं फटाफट यहाँ से लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ, जितना हमको चाहिए उतना मैं यहाँ से ले रहा हूँ लाइट को। ठीक है, और ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, बस कम भर लेना है। सिंपली यहाँ जहाँ जहाँ हमको कम लगता है वहाँ पे इंक्रीज करेंगे। अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से PNG या बैकग्राउंड प्रीसेट सब डालते रहते हैं। सिंपली वहाँ से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और आपको मतलब कि लाइटरूम प्रो वर्जन चाहिए भाई, तो वहाँ पे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली इतना करने के बाद देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा एडजस्ट किया। तो सिंपली इतना करने के बाद इस पर मतलब कि शार्पनी को हाई कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ से डिटेल में जाएंगे। ठीक है, जो फोटो को HD करते हैं ना, सिंपली यहाँ डिटेल में जाना है, और डिटेल में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं शार्पनी को इंक्रीज कर देना। देख सकते हैं आपको पता चलता होगा, देख सकते हैं पहले कैसा था अब कैसा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से 40 के आसपास रखना है। ठीक है, इसके बाद इसको डन करना। सिंपली यहाँ से डन करने के बाद यहाँ और यहाँ से शेयर करते हैं फोटो को। ठीक है, यहाँ से फोटो को शेयर करते कहाँ स्केच बुक एप्लीकेशन, वहाँ से फेस स्मूथ करेंगे और मैं बताऊँगा कि कौन सा उसको सिलेक्ट करना है और सेटिंग क्या रखना है। ठीक है, सिंपली यहाँ से आते हैं तो देख सकते हैं ओपन हो चुका अपना स्केच बुक एप्लीकेशन। ठीक है, और ये रहा फोटो। ठीक है, तो मैं ब्रश को दिखाने वाला हूँ कि कौन सा ब्रश को यूज करना और सेटिंग क्या रखना है। ठीक है,
जैसे तो सेटिंग यहाँ ब्रश पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में चलेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला पे आना है, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ब्रश को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये वाला ब्रश को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं सेटिंग को दिखाते हैं और देख सकते हैं फॉलो को 4 रखना और स्ट्रेच वही यहाँ से 29 रखना, ठीक है, और साइज़ को अपने हिसाब से रखते हैं, जैसे कि हमेशा पहले रखते हैं, साइज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैं 24 के आसपास रखता हूँ। और मैं कितना बार बताऊँ कि भाई ऐसे ऐसे फेस वॉश करो, ना कि ऐसे 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 करोगे तो जहाँ पे ब्लैक रहेगा वहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ ऐसे करोगे तो ये सब मतलब सब जगह फैल जाएगा, और ऐसे ऐसे करोगे तो इधर से इधर जाएगा बस और कहीं नहीं जाएगा, सिंपली ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। देख सकते कितना अच्छा से फेस स्मूथ होता है, और आप लोग बोलते भाई फेस स्मूथ ठीक से होता नहीं, इधर उधर मतलब लिपाप होता जाता है, तो भाई अगर लिपाप होता जाता है ना भाई तो ब्रश को छोटा करना, ठीक है। जैसे कि देख सकते आपके सामने मतलब किसी फेस स्मूथ कर रहे हैं ना भाई, कोई कट वीडियो नहीं है ना, तो सिंपली देख सकते यहाँ पे मैं फेस स्मूथ कर रहा हूँ, और ध्यान से देखिएगा तभी तो समझ में आएगा ना भाई आप लोग, तो वीडियो स्किप करके देखते हैं तो समझ में कैसे आएगा। और मतलब कि आप लोग ध्यान करना है ना कि मतलब किस टाइप का लगे अति ब्रश को चलाते हैं, और आप जैसे मन से चलाते हैं तो फेस तो ब्लैक ब्लैक आएगा ना भाई। तो वीडियो को एकदम फुल वॉच कीजिए तभी तो पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है, तब जाके ऐसा फेस स्मूथ होता है और फेस वाइट होता है, ठीक है। और मैं देख सकते मतलब कि मतलब प्रेशर डालते रहता हूँ भाई कि मतलब कि इतना अच्छा प्रेशर डालता हूँ ना, और भाई इस प्रेशर में जो मैं प्रेशर इस वीडियो में डाला हूँ मतलब अगर हाइट ज़्यादा होता है ना तो ब्राइटनेस को कम कर देना, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोटो है ना तो उसको ब्राइटनेस को कम कर देना तो वहाँ पे अच्छी तरह से काम करें, ठीक है। तो देख सकते फेस स्मूथ करना कोई हार्ड काम नहीं है, ठीक है मेरे भाई, और बस ध्यान रखना होता है कि मतलब कहाँ पर कैसे करना, बस और कुछ नहीं। फेस स्मूथ करना बहुत ही ईजी तरीका है, देख सकते आपके सामने मैं कर रहा हूँ ना, और ये देख सकते हैं नया वर्जन है जो लाइटरूम से डाउनलोड किया है, मतलब कि सॉरी प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ स्केचबुक, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे कि नया मतलब वीडियो लेके आओ, तो देख सकते हैं वीडियो लेके आ चुके हैं, और सब तो वही पुराने जैसा सिस्टम है ना भाई, आप लोग बोले चेंज हो गया, तो चेंज कहाँ हुआ भाई। और देख सकते इसमें किस टाइप का यहाँ पर हेयर है, तो देख सकते यहाँ पर इस तरह का मतलब ब्रश चलाना, ठीक है, ताकि ज़्यादा फैले नहीं, और यहाँ ना के पास ब्रश को छोटा कर लेना, उसके बाद यहाँ पे चलाना, अगर लिपाप बता रहा है ना भाई तो ब्रश को छोटा कर लेना, अगर ज़्यादा काम नहीं कर रहा तो ब्रश को बड़ा करना। और जल्दी ही मतलब होली का वीडियो आने वाला, ठीक है मेरे भाई, बस वीडियो अगर तक चैनल पर बने रहे और सपोर्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। देख सकते हैं यहाँ पे इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से ब्रश को छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद यहाँ पे आईब्रो पर देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कीजिएगा तब अच्छा लगेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड पर करना, और मतलब कि ध्यान रखना कि कहीं कहीं छूटा नहीं, अगर छूटेगा तो फिर तो बेकार लगेगा देखने में, और फेस स्मूथ किए वो भी बेकार हो जाएगा ना, तो ध्यान रखना है कि मतलब छूटे नहीं कहीं। और देख सकते इस तरह अगर कान पे करना, यहाँ अगर कान पे आप लोग कीजिएगा ना भाई तो ब्रश को छोड़ा करके करना, ठीक है। सिंपली देख सकते हैं मेरा लगभग मतलब फेस स्मूथ हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, बस थोड़ा कहीं कहीं बचा हुआ है, और मैं वहाँ पे भी कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि रेड लिप्स कैसे करते हैं वो भी रियल जैसा, ठीक है मेरे भाई। सिंपली देख सकते हैं फेस स्मूथ हो चुका है, ठीक है, बाकी काम लाइटों में करेंगे वो तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि कलर ग्रेडिंग वहाँ पर होता है, तो सिंपली मतलब कि रियल जैसा लिप्स को रेड कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ से कलर के बगल में देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से प्लस पर क्लिक करना है,
और क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू टैब खुलेगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद एक ब्लेंडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट लाइट रहेगा, ठीक है। सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से बैक चलना। बैक चलने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए वहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। जैसे कि मेरे को पिंक कलर चाहिए ना, तो मैं पिंक कलर रखाऊँ। अगर आपको रेड चाहिए या मतलब कुछ भी चाहिए ना, वो भी रख सकते हैं यहाँ। तो सिंपली यहाँ से मैं पिंक रखूँगा और यहाँ से बैक चलता हूँ। बैक चलने के बाद यहाँ से जो मैं ब्रश दिखाता हूँ कि कौन सा ब्रश रखना है, सिंपली यहाँ से ब्रश पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ से बैक चलना। बैक चलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड वाला कलर है, मतलब कि सेकंड वाला ब्रश है, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ से टाइप करना, उसके बाद देख सकते हैं सेटिंग क्या रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड पर सेलेक्ट करना और सेटिंग को देख सकते हैं साइज को, यहाँ पे साइज को 5-6 रखना है, उससे ज़्यादा 6-7 बस, उससे ज़्यादा नहीं। और ओपेसिटी को फुल रखना है पूरा, ठीक है। और सिंपली यहाँ से बैक चलते हैं और उसके बाद यहाँ से देख सकते करते हैं, तो पूरा रियल तरीका से होगा, ठीक है मेरा, जैसे कि रियल रहता है ना वैसे होगा। देख सकते हैं मतलब मस्त लगता है, ठीक है मेरे भाई। अगर रियल तरीका से होता है तो बहुत मस्त लगता है, ठीक है, जैसे कि रियल हो रहा है ना भाई। यार मैं मतलब कि काफ़ी वीडियो में देखता हूँ, मतलब कि जो फेक बताते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट रहा है, ठीक है भाई। पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा करते हैं और जो सही बताते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो भाई जो सपोर्ट करते हैं मतलब जो सही बताता है उसको सपोर्ट किया करो, ना कि फेक आदमी को सपोर्ट किया करो। ऐसा नहीं बोले कि मेरे को सपोर्ट किया, मैं सही नहीं बताता हूँ, मेरे को भी नहीं करो ना। लेकिन जो मतलब अच्छा बताता है ना उसको सपोर्ट तो किया करो मेरे भाई। तो सिंपली देख सकते इतना करने के बाद अगर चाहे तो आप आँख पे लेंस लगा सकते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कैसे लगाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ठीक है मैं लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिंपली यहाँ से क्लिक करना, उसके बाद लेयर बनाना। लेयर बनाना के यहाँ से ब्रश पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्रश को कौन सा सेलेक्ट करना, जो लेंस बनाते हैं ना उसके लिए मैं ब्रश बता रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे इस ए ब्रश को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं मतलब सेटिंग को देख सकते हैं, फोलो को फुल रखना, ब्राइटनेस को देख सकते इतना फुल रखना, ठीक है। सिंपली यहाँ से इसको राउंडिंग करना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सिंपली इधर भी करना है ऐसे। और सिंपली मतलब आपको अगर कलर अच्छा नहीं लगा ना तो सिंपली यहाँ से टैप करना, फिर इसके बाद इस पर टैप करना। टैप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे HSL लिखा हुआ है ना, ठीक है, एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको माइनस कर देना और इसको आपको जौन सा कलर रखना ना, यहाँ से रख सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कोई भी कलर यहाँ पे फिट कर सकते, ठीक है। जैसे कि मेरे को इतना नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा लगे कि लेंस लगाओ, तो बस इतना चाहिए, ठीक है। इतने के बाद इसको डन करते, डन करने वाले इसको फोटो को सेव कर लेते, ठीक है। तो यहाँ से फोटो को सेव करते, आप चाहे तो यहाँ पे हेयर पे कलर वगैरह मार सकते, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा कि कलर कैसे मारते, ठीक है। सिंपली यहाँ से बैक चलते और जो फेस पे ऑयल पेंट है उसको मैं ऐड करूँगा, ठीक है। सिंपली यहाँ से 12 फोटो पे चलेंगे। यहाँ से जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो इफेक्ट्स पे लिखा हुआ है ना, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट स्मूथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड वाला पे क्लिक करना है, थर्ड या सेकंड क्लिक करना है, कम से कम यहाँ पे थर्ड या टू रखना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे थर्ड पे किया हूँ, उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ से मार्क्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने बाकी जगह यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। इसलिए मैं क्लियर करूँगा, क्लियर हो चुका। सिंपली यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ हमको चाहिए वहाँ पे यहाँ पे ब्रश करेंगे। सिंपली यहाँ से हमको हेयर पे चाहिए और हेयर पे चाहिए भी और थोड़ा सा एब्रो जो होता है उस पर भी चाहिए, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे हेयर पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस पर भी चाहिए, तो मतलब अच्छा लगेगा ना। अगर ज़्यादा फालतू हो जाता है ना भाई, तो सिंपली यहाँ से इरेजर पर क्लिक करके यहाँ से इरेज कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया। सिंपली फिर अप्लाई पर क्लिक करना, वहाँ पे आपको जो वहाँ पे क्लिक करना लगे अप्लाई करना, ठीक है। सिंपली इतना करने के बाद यहाँ से इसको डन करते हैं। डन करने के बाद यहाँ से इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं और शेयर करते हैं अपना लाइट एप्लीकेशन में। सिंपली यहाँ से शेयर करते हैं। और देख सकते हैं मतलब आ चुके हैं अपना लाइट एप्लीकेशन में, ठीक है। और सिंपली यहाँ से क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से फिर से चलना एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एडिट पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लाइट पे क्लिक करना, ठीक है। लाइट पे क्लिक करने के बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हाई करना
और हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, ठीक है। साइडों को भी इंक्रीज करना, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, ब्लैक को माइनस करना, ठीक है। ब्लैक को माइनस करने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ से कलर में जाएंगे, ठीक है। अगर आपको और ब्राइटनेस चाहिए तो सिंपली यहाँ से मिक्स में जाएंगे और सेकेंड वाला कलर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला कलर पर क्लिक करेंगे और सेचुरेशन को माइनस कर देना, और आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए वहाँ पर इंक्रीज कर लेना, जैसे कि पर इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है मेरा, जिसे सिंपली नॉर्मली रखना है, ज़्यादा फालतू नहीं करना, ठीक है। सिंपली इतना करने के बाद यहाँ से येलो को माइनस कर देंगे, ग्रीन को भी माइनस करेंगे, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे लिप्स का अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इतने रहना है और यहाँ से इसको डन करना, डन करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में आना, ठीक है। और सिंपली टेक्सचर को इंक्रीज करना है और क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद देख सकते हैं डीएच को थोड़ा सा इंक्रीज करो तो देख सकते हैं, हाँ डीएच को इंक्रीज करने के बाद देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर कैसा दिखेगा, देख सकते हैं ना। सिंपली आपको जैसे वैसा रख सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ मैं इतना रखना हूँ तो इतना रखने के बाद यहाँ से डिटेल्स पे, मतलब डिटेल पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद शार्पनिंग को इतना करना अमाउंट को, और नॉइस को थोड़ा सा इंक्रीज करना, ठीक है। और इतना करने के बाद देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर, देख सकते हैं ना, आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपली हमें आशा करता भाई कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, आप समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है भाई। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में।